नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शांतनु। आज के वीडियो में हम लोग TCS NQT का कुछ सैंपल क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं नंबर सिस्टम टॉपिक के ऊपर। चलिए दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, अब चलते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन को मैं थोड़ा रीड आउट कर लेता हूँ। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे चार बड़े बड़े नंबर को दिया गया है और इसका प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिए, बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जो चार बड़े नंबर का जो फर्स्ट यूनिट डिजिट है उसको कंसिडर करके इसका प्रोडक्ट निकालना होगा। 6x4 आ गया 24 और 8x9 आ गया 72। वैसे ही सेम तरीके से हम लोगों को आप कंसीडर करना होगा इसका यूनिट डिजिट जो कि है 4 और 2। तो 4x2 आ गया 8। तो हम लोगों का ऑप्शन करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी जो कि है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा रीड आउट कर लेता हूँ। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 55 to the power 725, 73 to the power 5810, 22 to the power 850। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे काफी बड़े बड़े नंबर को दिया गया है पावर के हिसाब से और इसका जो समेशन आता है उसका यूनिट डिजिट हम लोगों को निकालना होगा। तो इसका डिफिकल्टी थोड़ा हार्ड है, मतलब पहले का जो था वो थोड़ा सिंपल था, ये मीडियम आप कह सकते हो। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली देखिए, सेम तरीके से हम लोग को कंसीडर करना होगा यूनिट डिजिट। 55 to the power 725 को हम लोग लिखेंगे 5 to the power 725, 73 को लिखेंगे 3 to the power 5810 और 22 to the power को हम लिखेंगे 2 to the power 853। अब देखिए 5 to the power 4 क्या होता है, 5x5x5x5 जो कि होता है 625। इसका यूनिट डिजिट हम लोग कंसिडर करेंगे 5। आप लोग दे सकते हो बेसिकली 5 to the power 724 x 5, ये सेम होता है 5 to the power 725। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट है 5, तो 5x5 आ गया 25, जिसका भी यूनिट डिजिट होगा 5। और एक दोस्तों शॉर्टकट मेथड बता देते हैं, 5 to the power जितना भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आता है, ये एकदम कॉन्स्टेंट है। अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई भी नंबर आप लोगों के सामने आता है तो आंख बंद करके लिख दीजिए उसका यूनिट डिजिट होगा 5। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया या ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब देखिए 3 to the power 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3x3x3x3 जो कि होता है 81। इसका यूनिट डिजिट 1। अब सेम तरीके से 3 to the power 5810 को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power 5808 into 3x3 जो कि होता है 1x9 9, मतलब इसका यूनिट डिजिट आ गया 9। अब चलते हैं 2 to the power 4 का प्रोडक्ट आता है 16 और इसका यूनिट डिजिट होता है 6। सेम तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 853 को 2 to the power 852 x 2 जो कि होता है 6 into 2 12 और इसका यूनिट डिजिट हो गया 2। तो देखिए हम लोग को सारा जो नंबर दिया गया था बड़ा बड़ा उसका यूनिट डिजिट मिल गया है 5, 9 और 2। अब इसको प्लस कर देते हैं जो कि होगा 16, मतलब कि यूनिट डिजिट होगा 6। तो हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा जो कि है 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 3 क्वेश्चन को मैं थोड़ा रीड आउट कर लेता हूँ। कॉन्वर्ट 4.3333 इंटू अ रैशनल नंबर। दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ रैशनल नंबर किसे बोला जाता है। किसी भी नंबर को अगर हम लोग पी बाई क्यू के आकार में लिख सकते हैं और जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको हम रैशनल नंबर बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 13 / 3, 16 / 3, 17 / 4 इस टाइप को नंबर को बोला जाता है रैशनल नंबर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग फॉलो करने वाले है एक शॉर्टकट मेथड को, चलिए आप लोगों को बता देते। देखिए नंबर क्या है 4.3333 ... तो देखिए यहाँ पे नंबर विदाउट डेसिमल और नॉन रिकॉर्डिंग पार्ट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। विदाउट डेसिमल क्या होता है 43 और यहाँ पे नॉन रिकॉर्डिंग पार्ट मतलब जो रिपीटेड नहीं हुआ वो पार्ट है 4। तो 4 जैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आ जाता है नंबर 39। अब स्टेप 2 पे चलते हैं, डिवाइड दिस
बाई या डिजिट 9 रिटन एज मेनी टाइम्स एज नंबर रिपीटेडिंग डिजिट्स इन द नंबर फॉलोड बाई डिजिट 0 रिटन एज मेनी टाइम्स एज द नंबर ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग डिजिट इन अ डेसिमल पार्ट। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग मतलब जो नंबर रिपीटेड हुआ है उसका नंबर कितना है, यहाँ पे देखिए एक ही नंबर जो कि 3 रिपीटेड हुआ है तो यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई 9। और देखिए यहाँ पे डेसिमल पार्ट पे कोई भी नॉन रिकॉर्डिंग पार्ट नहीं है तो इस केस में आ गया कुछ भी नहीं। अब 39 डिवाइडेड बाई 9 होगा जो कि है 13/3, मतलब कि ऑप्शन है हम लोगों का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों को कुछ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को ये रूल्स पता है और कुछ कुछ रूल्स शायद नहीं भी पता है, तो बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखिए व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 उसका लास्ट डिजिट हमेशा 0, 2, 4, 6 और 8 होना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं डिविजिबल बाय 3। अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है तो उसका सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 होना मैंडेटरी होता है, ये शॉर्टकट टेक्निक होता है। तो अगर कोई नंबर दिया है उसका डिजिट का सम निकाल लीजिए, अगर वो सम डिवाइडेड बाय 3 होता है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। देखिए डिविजिबल बाय 4 का रूल क्या कहता है, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर कोई भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट कंसिडर करके अगर उसको 4 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 हो जाता है। चलिए एक एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 689532, तो इसका लास्ट 2 डिजिट को अगर कंसिडर करके जो नंबर बनता है वो है 32 विच इज डिविजिबल बाय 4, मतलब कि ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जो कि है 6953285, इसका लास्ट 2 डिजिट को कंसिडर करके नंबर बनता है 85 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4, मतलब कि ये नंबर डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, डिविजिबल बाय 5 क्या कहता है, द लास्ट डिजिट आइदर 0 और 5। तो दोस्तों देखिए अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 और 5 रहता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। अब एक एग्जांपल को ट्राई कर लेते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ अ नंबर 3AB9 इज डिविजिबल बाय 5। देखिए अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 5 होता है उसका लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5 होगा, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। सिंस द लास्ट डिजिट 9 एक्सीड्स 5, मतलब कि जो लास्ट डिजिट 9 है वो 5 से ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा 9-5 जो कि होगा 4। आप लोगों को समझ में आ गया, ये केस 9 मतलब 9 ग्रेटर देन 5 है इसीलिए हम लोग 9-5 किए। अगर ये लेस देन 5 रहता तो हम लोगों को कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ता, जो भी था जो भी रहता लास्ट डिजिट में वही हम लोगों का आंसर हो जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, डिविजिबल बाय 6 क्या कहता है, इफ द नंबर डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3 साइमल्टेनियसली देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6, मतलब कि कोई भी नंबर अगर 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। डिविजिबल बाय 8 का रूल क्या कहता है, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो अगर कोई भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट को अगर हम लेके कोई भी नंबर फॉर्म कर लेते हैं अगर वो नंबर 8 से डिवाइडेड हो जाएगा तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया है गलती से, ये 8 होगा। डिविजिबल बाय 9 का फॉर्मूला क्या कहता है, सम इज डिविजिबल बाय 9 तो द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। वैसे ही डिविजिबल बाय 3 का सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है, अगर कोई भी नंबर का सारे डिजिट का सम अगर डिविजिबल बाय 9 से हो जाता है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। डिविजिबल बाय 11 का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट इक्वल टू 0 और नंबर डिविजिबल बाय 11। तो दोस्तों देखिए अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है उसका इवन प्लेस डिजिट का सम और ऑड प्लेस डिजिट का सम इसका डिफरेंस 0 या नंबर विच इज डिविजिबल बाय 11
अगर होता है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल को ट्राई करके आप लोगों को थोड़ा बता देते। इस नंबर 9685825 डिविजिबल बाय 11। तो दोस्तों देखिए, इस पूरे नंबर का हम लोगों ने ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम को सब्सट्रैक्ट किया हूं, जो उसका रिजल्ट आया 11, व्हिच इज डिविजिबल बाय 11। तो मतलब कि ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल को मैं थोड़ा रीड आउट कर लेता हूं। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू द पावर 24 इज डिविजिबल बाय 6561। इसका टेक्निक क्या है, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है? देखिए, हम लोगों को पहले करना होगा इसका सम ऑफ डिजिट करना होगा, जो कि होगा 90। अब दोस्तों देखिए, डिविजिबल बाय 9 का फॉर्मूला क्या था? अगर किसी भी नंबर का डिजिटल सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 होता है। मतलब कि ये जो बड़ा नंबर है ये डिविजिबल बाय 9 हो गया। अब देखिए, इसका जो डिविडेंड है वो भी है 6561, इसका डिजिटल सम आता है 18, जो कि 9 से डिवाइड होता है। तो देखिए, दोनों ही नंबर डिविजिबल बाय 9 होता है। अगर हम लोग इस चीज को डिवाइड करते हैं तो ये सिंपल है, इसका रिमाइंडर ऑलवेज होगा 0। तो आंसर होगा 0, जो कि है ऑप्शन डी, मतलब कि ऑप्शन डी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा मैं रीड आउट कर लेता हूं। फाइंड द सम इफ ऑल टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो हम लोगों को बोला गया है दो डिजिट नंबर जितना भी है डिविजिबल बाय 3, उसका सम क्या होगा। पहले लिख लेते हैं टू डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3 क्या क्या होता है। देखिए, ये स्टार्ट होता है 12 से, फिर आता है 15, 18, 21, 24। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग देख ही सकते हो, प्लस थ्री करके ऐड हो रहा है और लास्ट में आएगा 99। द फर्स्ट नंबर इज 12 एंड द लास्ट नंबर इज 99। लेट द टोटल नंबर आर एन, सो वी नो दैट टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो दोस्तों यहाँ पे एक एपी सीरीज का लास्ट टर्म को निकालने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लोगों को इधर में अप्लाई करना होगा। तो टी एन हम लोगों का है 99 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 12 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो कि है डी वो है 3। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एन का वैल्यू आएगा 30। मतलब कि टू डिजिट नंबर 12 से स्टार्ट होके Which is divisible by 3, ये total number है 30। Now the required sum is SN equal to N by 2 first number plus last number। तो दोस्तों एक AP series का sum निकालने का formula ये है, इसको हम लोगों को इधर में apply करना होगा। तो values को put कर लेते हैं। तो values put करने के बाद देखिए, यहाँ पे first number आ गया, last number आ गया, N का value आ गया 30 और आखिर में इसका आंसर आएगा 1665। तो ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं थोड़ा रीड आउट कर लेता हूं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 576। तो दोस्तों बोला गया है 576 का टोटल फैक्टर्स क्या होता है, कितना होता है, वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं। दो से अगर डिवाइड कर लेगा 288, फिर दो से 144, फिर दो से 72, फिर टू से 36, टू से 18, टू से 9, अब थ्री से 3। अब देखिए, यहाँ पे टू कितना आया, 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 इंटू 3 to the power square। अब देखिए, फॉर्मूला ऐसा है, हम लोगों को अगर कोई भी नंबर सी, ये है a^m × b^n + c^p, तो हम लोगों का इसका टोटल फैक्टर्स होगा m+1 × n+1 × p+1। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 6+1 × 2+1, जो कि होगा 21। हम लोगों का ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। अगर आप लोग मेरे काम को पसंद करते हो या ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं प्लेसमेंट गाइड रिलेटेड या प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।